मुखेश्वरी क्रेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद कारणेश्वरी ब्रजेश्वरी भजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। महादेव ने स्तुति की है, श्रीमती राधारानी का गुणगान किया है, राधा कृपा कटाक्ष। ओ ब्रह्मा जी भी इसी तरह की स्तुति ब्रह्म भारत पुराण में भी कर रहे हैं और राधारानी की महिमा हमारे शास्त्रों में दी गई है, लेकिन बहुत अधिक वर्णन इसलिए नहीं मिलता है कि बहुत गोपनीय है, बहुत गुप्त है। श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी जो है नाम लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि नाम लेना नहीं चाहते राधारानी का प्रत्यक्ष रूप में, इसे बोल रहे अन्य आराधितो नूनम। तो हमारे आचार्यों ने विश्वनाथ जी ठाकुर श्रीधर स्वामी ने भागवत के दशम स्कंध के कई श्लोकों में वर्णन किया दिया है कि ये श्रीमती राधारानी के लिए है। तो श्रीमती राधारानी भगवान श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति है। कल का आविर्भाव दिवस है, आविर्भाव कैसे हुआ उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज आविर्भाव दिवस नहीं है, कल है। आज हम केवल थोड़ा दर्शन की चर्चा करेंगे, फिलोसफिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, लीला की चर्चा होगी अगर समय होगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो राधा कृष्ण गणदेश दीपिका शिलरूप गोस्वामी बाद जी के द्वारा लिखा हुआ, उसमें उन्होंने राधारानी के परिवार का वर्णन किया है। जिस परिवार में हम जाना चाहते हैं उस परिवार के बारे में सुनना जरूरी है, क्योंकि वहाँ तो परिवार में ही रहना पड़ेगा, वहाँ ब्रह्मचारी सन्यासी है ही नहीं, ना के बराबर है। कुछ ऋषि मुनि हैं वो आते हैं जाते हैं, भगूरी मुनि और या तो फिर दुर्वासा मुनि लेकिन 99.9% कह लीजिए या उससे भी ज़्यादा कह लीजिए सब ग्रस्त नहीं है, लेकिन वो ग्रस्त संसार के ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त नहीं है वो, ग्रस्त हैं वो, स्वरूप सिद्ध हैं, स्वरूप सिद्ध गृहस्थ है, नित्य सिद्ध है या फिर साधना सिद्ध है। तो राधारानी के परिवार का वर्णन शिल रूप गोस्वामी करते हैं। उनकी उम्र बताई है श्रीमती राधारानी की, 14 वर्ष 2 महीने 15 दिन, एक्यूरेट एकदम से एग्जैक्ट, कौन कितने वर्ष हैं, कितने महीने हैं और कितने दिन के। जैसे भगवान श्री कृष्ण का क्या लिखा हुआ है, शिल रूप गोस्वामी लिखते हैं 15 वर्ष 9 महीने 7.5 दिन, 7.5 दिन, इतना एक्यूरेट उनका रहता है, फिगर रहता है। जैसे श्रील जी गोस्वामी लघु वैष्णव तोषणी बता रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी, 7 वर्ष 2 महीने 10 दिन, भाद्र मास में ही 7 वर्ष के हो गए थे। गिरिराज जी को जिस दिन धारण किया उस दिन 7 वर्ष 2 महीने 10 दिन के एग्जैक्ट बताते हैं, वो एग्जैक्ट ईयर बताते हैं। तो राधारानी के बारे में बताया इस तरह से, 14 वर्ष 2 महीने 15 दिन, गौर कांति है, पिघलता हुआ सोना, तब तक कांचन गौरांगी, गौरांगी गौरांग है चैतन्य महाप्रभु और राधारानी गौरांगी है, मॉल्टन गोल्ड, मॉल्टन गोल्ड मतलब सोना जब पिघलता है उस प्रकार की कांति है। और उनके दादा का नाम है महाबानु, महाभानु के दादाजी का नाम है, और उनकी दादी का नाम है सुखदा, सुखदा, और नाना का नाम है इंदु और नानी का नाम है मुखरा, मुखराई एक जगह है ना, राधारानी की नानी का गांव है, जानते हैं नहीं। तो राधारानी की नानी का नाम है मुखरा और पिता का नाम क्या है सबको पता है, वृषभानु महाराज। माता का नाम क्या है, कीर्तिदा। तो जिस परिवार में आप सबको जाना है उस परिवार के बारे में हम थोड़ा जान लें तो अच्छा है, परिचय होना चाहिए, मुलाकातें बाद में होती रहेंगी, नहीं धीरे धीरे एंट्रेंस होगा वहाँ पे, संबंध ज्ञान, संबंध हमारा क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उस संबंध से पहले उस परिवार के बारे में जान लें। प्रभुपाद जी, मैं कल लेक्चर में सुन रहा था कि अमेरिका में जो यूएस डॉलर है उसमें लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, दे से इन गॉड वी ट्रस्ट बट दे डोंट नो हु इज गॉड। फिर प्रभुपाद कहते हैं सी सच अ रास्कल द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ डज नॉट नो हु इज गॉड एंड इन हिज करेंसी इन देयर करेंसी दे आर राइटिंग इन गॉड वी ट्रस्ट। तो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं भगवान पे। और इसी तरह से यहाँ पर राधारानी के परिवार के बारे में जान लें सबसे पहले, नहीं घर में प्रवेश बाद में होगा, पहले परिवार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और की छोटी बहन है अनंग मंजरी और बड़े भाई का नाम है श्रीधामा, श्रीधामा सखा, और उनके तथाकथित सो कॉल्ड हस्बैंड है अभिमन्यु, नॉट इन कुरुक्षेत्र लीला बट ब्रज लीला के अभिमन्यु, और
उनके ससुर फादर इन लॉ, उनका नाम है वृक्ष गोप, किनके पिता हैं वो, अभिमन्यु के पिता है नेचुरली, और मदर इन लॉ राधारानी की सास जठीला, जठीला कौन है घोरलीला में, रामचंद्रपुरी जठीला कुटीला, कुटीला ननद है और कुटीला ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ब्रदर इन लॉ का सास थोड़ा बोलते हैं ब्रदर इन लॉ को नहीं, देवर नहीं बोलते, साला बोलते हैं, दुर्मद सखियां भी हैं, पांच प्रकार की सखियां हैं राधा रानी की, पांच प्रकार की सखियां हैं, और एक तो कैटेगरी है सखी की, एक है नित्य सखी, एक प्राण सखी, तो रूपमंजरी और रतिमंजरी ये प्राण सखी हैं। रूपमंजरी सभी मंजरियों की लीडर है, टॉप मोस्ट है, सुपर मोस्ट, उनसे बढ़कर कोई नहीं, रूपमंजरी प्राण सखी कैटेगरी में आती है, प्राण सखी सखी है, मंजरी भी सखी है, मंजरी रूपमंजरी रतिमंजरी प्रिय सखी, और उसके बाद परमप्रेष्ठ सखी, तो ये कैटेगरीज हैं पांच प्रकार के सखियों की कैटेगरीज। और गाय बहुत सारी हैं, राधा रानी की प्रिय गाय है, करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों असीमित गाय है, वहाँ तो उसकी गणना नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ उसमें से चुनिंदा बड़ी प्रिय जो है राधा रानी को वो है, जैसे सुनंदा, यमुना, बहुला, और बछड़े में तुंगी, और वानर में जैसे ददी लोभ है कृष्ण के, वैसे ककटी राधा रानी की जो है, बंदरी कह लीजिए वानर, और हिरणी रंगनी, रंगनी रंगनी नाम है किसका, हिरणी का नाम। और एक बार राधा दामोदर मंदिर जो राधा कुंड में है, वहाँ पे एक हिरणी होती थी, उसका नाम था राधा, चली गई बैक होम बैक टू गॉड इट। तो और राधा रानी के तोते का नाम है सूक्ष्मधी, जैसे भगवान कृष्ण के तोते का नाम क्या है, विचक्षण, तो सूक्ष्मधी और शुभा, ये सारी सारी शुक और सारी, तो राधा रानी की सारी हो गई, और भगवान कृष्ण के, कृष्ण के शुक, राधा रानी के तोते, और इस तरह से। अच्छा, राधा रानी के आभूषण, उनका जो पर्सनल पैराफेरनेलिया है, जैसे तिलक है स्मर यंत्र तिलक, तो वो डायग्राम बनाया होता है एकदम जैसे कामदेव की तरह, और हरि मंदर मणिधर उनका नेकलेस, ज्वेलरिंग रत्न से जड़ित उनके कुंडल हैं, तो कहते हैं रोचना, रोचना लॉकेट, जैसे भगवान कृष्ण ने कौन सा लॉकेट पहना है, कौस्तुभ मणि, वैसे लॉकेट पहनती है राधा रानी, और उस लॉकेट के अंदर चित्र किसका है, कृष्ण का है, आपका नहीं हमारा नहीं है किसका है, कृष्ण का, मदन, तो वो चित्र है मदन मोहन का, यानी कि मदन, तो उनका चित्र है यहाँ पर। और वस्त्र कैसे पहनते हैं, दो प्रकार के वस्त्र विशेष रूप से पहनते हैं, ऐसा नहीं कि इनके पास यही वस्त्र है, लेकिन वो वस्त्र है। तो ये देखिए भगवान राधा रानी का जो स्वरूप है वो महाभाव स्वरूप नहीं है, चरणों से लेकर सर तक वो महाभाव से बनी है, तो उनके आभूषण भी वैसे ही हैं, वस्त्र भी वैसे ही हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब फतेहपुरी क्लॉथ मार्केट से खरीदा है, लोही बाजार से खरीदा है, दिनेश क्लॉथ स्टोर से राधा रानी कपड़े लेके आ रही है, तो ये महाभाव स्वरूप नहीं है, और उनका पुरुष स्वरूप जो है महाभाव से बना हुआ है। तो दो प्रकार के वस्त्र हैं, मेघांबर, मेघांबर मतलब मेघ ही जिसका अंबर है, मेघ ही जिसका वस्त्र है, तो ऐसा रंग है, रेन क्लाउड, फ्रेश मॉनसून रेन क्लाउड क्लाउड। और लाल रंग की वस्त्र भी पहनती है कुरुविंद, उसमें रूबी का लस्टर रहता है, रूबी स्टोन होता है ना उसका, एक उसका ग्लो रहता है, और भोग जो कि भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, तो इस तरह से। और राग गाने वाले राग में कई सारे राग हैं, संगीत राधा रानी बहुत अच्छा गाती हैं, तो प्रिय राग जो है इंद्र प्रभु अंतिम समय में उन्होंने कीर्तन किया था, और उन्होंने बताया था ये राधा रानी का प्रिय धुन है, प्रिय राग है, उसी राग में उन्होंने गाया था, इंद्र प्रभु ने गाया था, राधा रानी का फेवरेट राग, राग मल्लार, राग धनाश्री। संगीत सीखेंगे तो पता चलेगा राग के बारे में, नहीं तो बेरागी रहे ये राग संगीत सिखाते हैं तो राग सिखाते हैं ना, तो उसमें राग धनाश्री, राग मल्लार, मेघ मल्लार जैसे होता है उस तरह से मल्लार, मेघ मल्लार मतलब वो राग गाते हैं तो वर्षा होती है संगीत के प्रभाव से, राग मेघ मल्लार या राग मल्लार। और उपासना किसकी करती है राधा रानी, सूर्य देव की, इसलिए सूर्य देव की इच्छा हुई थी एक समय
कि राधारानी को अपने पुत्री के रूप में चाहते थे सूर्यदेव और भानु, और वही बने वृषभानु। वृषभानु वैसे नित्य सिद्ध परिकर हैं, लेकिन होता क्या है जब भौम लीला में प्रकट होते हैं वृषभानु महाराज नित्य सिद्ध परिकर जो हैं, तो सूर्यदेव भी उनमें समा जाते हैं, तो इसलिए उनकी भी इच्छा पूरी हो जाती है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से सूर्यदेव की पुत्री भी हो गई, और राधारानी इसलिए सूर्यदेव के पास जाती है, उनकी पूजा करती है, आराधना करती है, उपासना करती हैं सूर्य कुंड में जाकर, मध्यान्ह काल से पहले वहाँ जाती हैं सूर्य कुंड में। तो सूर्य कुंड से राधारानी आती हैं मध्यान्ह काल में श्याम कुंड मानस पावन घाट में, राधारानी अपनी सखियों के साथ वहां पर स्नान करती है, ठीक है। तो इस तरह से और वहां पर जाके सूर्य से यह प्रार्थना करती है कि मुझे कृष्ण का संग प्राप्त हो। तो देवी देवताओं से आप प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि देवी देवताओं को देखकर घबराओ या डर के भाग जाओ या दूर भाग जाओ, नहीं नहीं, ये देवता है, दंडवत करके प्रणाम करके प्रार्थना करके, प्रार्थना क्या करें, हमें आप राधा कृष्ण की सेवा में लगाएं, राधारानी की सेवा प्राप्त हो, हे दुर्गे, हे गणेश जी, हे महादेव, आप सबका सहयोग रहेगा तो जल्दी मिल जाएगी सेवा में राधारानी, आप सब आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं आप, डर दो हम नहीं, हम तो यहाँ पर जो हमारे नए नए जुड़े भक्तों को दंडवत करते हैं, हम उनसे याचना करते हैं, प्रभु जी कृपा करिए, चरण धूलि दीजिए, और देवताओं की बात आती तो दूर भागते हैं। बहुत ही इच्छा लेकर नहीं आना चाहिए उनके पास, वो अलग बात। तो इस तरह से भाद्र शुक्लाष्टमी राधाष्टमी का दिन श्रीमती राधारानी का प्राकट्य हुआ। बरसाना के जो ब्रजवासी हैं उनका कहना है कि प्रातः काल राधारानी प्रकट हुई थी, हम लोग मध्यान्ह काल में 10 बजे के करीब अभिषेक करते हैं, मध्यान्ह काल तक उपवास करते हैं। बरसाना में हमने 4 साल बरसाने में राधाष्टमी में भाग लिया था, राधारानी कृपा है, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 4 साल लगातार। एक दिन पहले आप मत जाइएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था यहाँ पर अभी चेतन चरितामृत में, बहुत सुंदर श्लोक है, याद करना चाहिए उस श्लोक, क्योंकि कल भी ये चर्चा हुई थी, केशी तीर्थ में जाना, वहां पर गोविंद का दर्शन कर लिया आपने, त्रिभंग रूप में खड़े हैं, तो फिर सांसारिक सुख के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा, घर परिवार से दूर रहने की इच्छा रहेगी, फिर मत जाओ केशी तीर्थ गोविंद का दर्शन करने के लिए। तो इसी तरह से तो फिर क्या किया जाए, नहीं हम लोग, ये तो बहुत गलत बात है, हमें वृंदावन नहीं जाने देते आप, भरसाना नहीं जाने देते, कहीं भी जाने नहीं देते आप, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहीं बैठे रहे दिल्ली में, सड़ते रहे यहाँ। तो बोलेंगे पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों में यही एक स्थान है दिल्ली के पास, वृंदावन, भौम वृंदावन यही है, ब्रह्मा जी के लोक में नहीं है, पाताल लोक में नहीं है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम में जानते कहीं वृंदावन नहीं है, वो आपको पता है, ऐसा नहीं कि सत्यलोक ब्रह्मा जी के लोक में एक और वृंदावन है, पाताल लोक में एक वृंदावन है, यही है और कहीं नहीं है, पूरे सृष्टि में पूरे ब्रह्मांड में वृंदावन अगर कहीं है तो दिल्ली के पास है। कितने भाग्यशाली है, बरसाना भी यही है, नंदगांव भी यही है, पूरा 84 कोस ब्रज मंडल केवल दिल्ली के पास है, लेकिन फिर भी आप पास नहीं हो, दूर रहो, है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं भक्ति रसाम सुंदर में, क्या कह रहे हैं, कृष्णम स्मरण जन्म च अस्य प्रेष्ठम निज संहितम तत्कथा रत्चाशो कुर्याद वासम ब्रजे सदा। और सुंदर श्लोक है भक्ति रसाम सुंदर में, क्या बोल रहे हैं, भक्त को चाहिए वे अपने अंतर में सदैव कृष्ण का चिंतन करे और ऐसे प्रिय भक्त को चुने जो वृंदावन में कृष्ण का सेवक हो, उसे उस सेवक की कथाओं के विषय में तथा कृष्ण के साथ उसके प्रेममय संबंध के विषय का सदैव चिंतन करना चाहिए और उसे वृंदावन में निवास करना चाहिए। ये क्या कहते हैं प्रभु जी आप, रूप गोस्वामी तो ये कह रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी, आपके स्टेटमेंट्स में विरोधाभास है, शास्त्र कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। आगे लेकिन रूप गोस्वामी एक बात और कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए हमारे लिए, हाँ यदि कोई शरीर से वृंदावन नहीं जा सकता जैसे हम सब हैं तो उन्हें मानसिक रूप में यहां रहना चाहिए, कि वहां रहना चाहिए। तो अगर आप फिजिकली वृंदावन में नहीं रह सकते हैं तो रूप गोस्वामी कहते हैं मेंटली रहो, उतना ही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप वृंदावन में रह रहे हैं और मेंटली दिल्ली में हैं, जैसे कई लोग रिटायर होकर वृंदावन जा रहे हैं आजकल, लेकिन मन उनका कहाँ है, दिल्ली में है, सबका नहीं, कुछ लोगों का है दिल्ली में है, लेकिन रूप गोस्वामी सजेस्ट कर रहे हैं आप पृथ्वी में कहीं भी रहें मन में वृंदावन हो, मोर मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है, इसलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं जहां आप है महाप्रभु वही है वृंदावन।
जहां गुरुदेव के चरण कमल है वही है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन धाम को लेकर वो क्या करते हैं, पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने न्यू वृंदावन की स्थापना कर दी। किया कि नहीं किया? क्योंकि प्रभुपाद जी के हृदय में वृंदावन है, तो वृंदावन को मन में बसा लो। आपका हृदय जब निर्मल हो जाएगा तो ये राधा कृष्ण की बेदी बन जाएगी, रत्न सिंहासन जो है उसमें राधा कृष्ण हृदय सिंहासन में आपके आगे बैठेंगे। तो उसकी हमें आशा करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए। वो है वास्तव में वृंदावन। नहीं, वृंदावन में रहकर दिल्ली का चिंतन करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो वृंदावन में जाके दिल्ली बनाएंगे हम। वृंदावन में दिल्ली क्यों बन रहा है? क्योंकि सूक्ष्म इच्छाएं जो है स्थूल रूप में प्रकट होती है। तो दिल्ली में रहने की इच्छा प्रबल थी, लेकिन समाव अदर एन तेन प्रकार वृंदावन चले गए, तो दिल्ली प्रकट हो रहा है अब वृंदावन, है कि नहीं? जैसे ये पंजाबी बाग है, क्योंकि यहाँ पंजाबियों की संख्या बहुत है, इसलिए स्थान का नाम भी पंजाबी बाग पड़ गया। नहीं तो इसी तरह से तो इस प्रकार चर्चा हो रही थी, राग की बात हो रही थी, और हमने बताया जैसे यहाँ पे, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि तात्पर्य में ऑलरेडी वर्णन किया गया है। और राधाणी के 19 चिन्ह, बाएं पांव में 11 चिन्ह और राधाणी के दाएं पांव में 8 चिन्ह हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के बाएं चरणों में 8 चिन्ह हैं और दाएं चरणों में 11 चिन्ह हैं, तो दोनों को मिला के 19 है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा बहुत अच्छी बात, उन्होंने कहा कि अदर्स वर्शिप राधा ड्यू टू देयर कनेक्शन विद कृष्ण, कि अन्य लोग राधा रानी की सेवा करते हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण है। अन्य लोग मतलब हम नहीं करते हैं, अन्य लोग राधा रानी की सेवा करते हैं क्योंकि उनका संबंध कृष्ण है। ठीक है ना? अब देखिए हमारे आचार्य लोग क्या कह रहे हैं, बट वी वर्शिप कृष्णा, लेकिन हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन विद श्रीमती राधा रानी। समझ गए कि नहीं? तो ये हमारा गौड़िया वैष्णव कंसेप्शन है, हम कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन विद श्रीमती राधा रानी, एंड अदर्स वर्शिप राधा रानी बिकॉज ऑफ अवर कनेक्शन, उनका कनेक्शन कृष्ण के साथ होने के कारण बाकी सब जो है उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण की पूजा करते हैं क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन विद श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए उन्होंने कहा जो विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कार्षणे कहते हैं, और जो राधा रानी के भक्त हैं उनको गौड़िया कहते हैं। गौड़िया वैष्णव राधा रानी के लिए विशेष उनके लिए झुकाव है, राधा रानी के लिए विशेष झुकाव है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में। इसलिए प्रभुपाद जी के पिताश्री बोलते थे, संत महात्मा जो उनके घर में आते थे, आप सब आशीर्वाद दीजिए, अभय को आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन ये राधा रानी का शुद्ध भक्त बने, है कि नहीं? और राधा रानी प्रभुपाद जी भजन में लिख रहे हैं अपने अमेरिका जाते, अगर राधा रानी खुश हो जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा, कृष्ण को खुश होना ही पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति भी, निपट मूर्ख, अगर वो राधा रानी को कुछ अर्पित करता है और राधा रानी बोलती हैं कृष्ण से इसको स्वीकार कर लीजिए, इसकी सेवा स्वीकार कर लीजिए, भले ये मूर्ख है लेकिन है बड़ा सरल स्वभाव का, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, तो कृष्ण एक क्षण भी नहीं लगाएंगे उसको स्वीकार करने में, नहीं तो करोड़ों करोड़ों जन्म बिता दो, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम आपरपद देते, फिर तो बहुत जन्म लग जाएगा। उसी भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, राधा रानी की अगर सेवा ले लो, राधा रानी का अगर आश्रय ले लो तो तरीका सरल है। महात्मा नास्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा माम भूताधि भवेयम्। तो महात्मा कौन है जिसे राधा रानी की शरण ली है, दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो। तो राधा रानी के थ्रू जाना जो है हमारे लिए क्या है, शॉर्टकट है। कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच हमारे संप्रदाय में नहीं किया जाता, तो इस तरह से, और तो हम लोग जो है इसलिए गौड़िया वैष्णव कहलाते हैं। और एक बात और अच्छी बताइए, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने तो किस तरह से चैतन्य महापुरुष की जब शरण लेता है, जितना आप महापुरुष की शरण लेंगे, जितना आप महापुरुष के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे, उतना राधा रानी की कृपा स्वतः ही मिलती रहेगी, आप अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, केवल महापुरुष के संकीर्तन आंदोलन में भाग लीजिए, आप महापुरुष की सेवा में लग जाइए, राधा रानी की कृपा बरसती रहेगी वहां बरस से आपके ऊपर। प्रभुदान श्री ठाकुर चैतन्य चंद्रामृत में कह रहे हैं, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदित भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा सर्प उपसर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम भोज सुधाम भो राशि। तो क्या कह रहे हैं प्रभुदान श्री ठाकुर, कह रहे हैं
कि जितने स्तर पर जितने डिग्री में आप महाप्रभु की शरण में जाएंगे उतने डिग्री में क्या होगा, राधा रानी के क्या होगा, राधा रानी के जो चरणामृत का राधा पदाम पदाम भोज सुधाम भो राशि, राधा रानी की चरणों की कृपा बरसेगी आपके ऊपर, ब्रज में ब्रज से बरसेगी। यहां दिल्ली में आप प्रचार कर रहे हो महापुरुष के संकीर्तन आंदोलन में, वहां बरसाना से राधा रानी कृपा बरसाती रहेंगी, वो कृपा यहां दिल्ली भेज देंगी आपके पास। इसलिए प्रचार का इतना महत्व है। प्रचार का महत्व क्यों है, क्योंकि राधा रानी की कृपा बरसती है। तो महापुरुष क्यों है, महापुरुष श्रीमती राधा रानी तो है, राधा रानी का भाव ही तो है उनमें, श्रीमती राधा रानी का महाभाव ही प्रकट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने का मतलब ही है राधा रानी की शरण लेना, सिंपल एज इट इज। तो इस प्रकार तो हमारे चैतन्य चरितामृत में लिखा है कविराज गोस्वामी ने, महाभाव स्वरूप राधा ठाकुरानी सर्व गुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी खान है राधा रानी। वैसे तो 25 दिव्य गुण बताए गए हैं और भगवान कृष्ण के 64 दिव्य गुण बताए गए हैं। देखने में लगता है भगवान कृष्ण के 64 दिव्य गुण है, बहुत अधिक है, 24 ही है, 25 ही है दिव्य गुण, और राधा रानी के उज्जवल नीलमणि में वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी। लेकिन एक ऐसा गुण है जो भगवान कृष्ण को पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, और वो गुण क्या है कि ये गुण यही है कि राधा रानी पूरी तरह से कृष्ण को नियंत्रित करके रखती है। कृष्ण जो है राधा रानी के नियंत्रण में है पूरी तरह से, ये राधा रानी का एक गुण है। तो ये जो गुण है उसे पूरी तरह से नियंत्रित हो जाते हैं भगवान कृष्ण। तो यही है, जैसे पहला श्लोक है भागवत, भागवत के प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जन्मादिस्य यथोन्वयादि तरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट। तो स्वराट का मतलब क्या है, परम भगवान कृष्ण जो है स्वराट है, परम स्वतंत्र है। लेकिन उनकी स्वतंत्रता कहां पे सीमित हो रही है, जब राधा रानी की बात आती है। तो राधा रानी के केस में जो है वो स्वतंत्रता, परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र जिनको कहा जाता है, वो परम स्वतंत्र नहीं है जब वो राधा रानी की सेवा में लगे होते हैं। ये सब प्रेम के स्तर की बातें हो रही है, तत्व की बात नहीं है। एक होता है तत्व दर्शन और एक होता है प्रेम वैशिष्ट। तो प्रेम वैशिष्ट की बात की जाती है तो उसमें जो है भाव की प्रधानता है, फिर उस प्रेम रस की प्रधानता है। तो इस कारण से क्या है, श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण को भी नियंत्रित कर लेती है, इस कारण से स्वराट नहीं हुए। चार थेशु अभिज्ञा स्वराट, अभिज्ञा, अभिज्ञा मतलब इज फुली कॉग्निजेंट, सर्वज्ञ, ओमनी क्या कहते हैं उसको, हाँ कॉग्निजेंट, ओमनी प्रेजेंट नहीं, ओमनी प्रेजेंट तो सर्वव्यापी होगा, ओमनीसिएंट, यस ओमनीसिएंट का मतलब है सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ मतलब अभिज्ञ, अभिज्ञ फुली नॉलेजेबल। लेकिन जहां तक श्रीमती राधा रानी की बात जब आती है तो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, उनका जो महाभाव है, उसके सब उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। उसको समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो वहां पर अनभिज्ञ है, पूरी तरह से अभिज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ है वहां। तो आप भागवत राधा रानी से कितना भागोगे दूर, भागवत के पहला श्लोक है जन्मादि यस्य यथोन्वयादि तरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट, क्या है उसके बाद, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती यत सूर्य यहा। तो आदि कवि कौन है, कौन है आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी है इस पृष्ठी के अंदर, तो आदि कवि वही है। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंती यत सूर्य यहा। तो आदि की जब जन्मादि यस्य की बात की गई सबसे पहले, तो आदि का मतलब ये बताए तो होता आध्यात्मिक और भौतिक जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। और एक दूसरा अर्थ बताया विश्वनाथ जी ठाकुर ने, आदि रस माधुर्य रस, श्रीमती राधारानी का जो महाभाव है उनका जो माधुर्य रस है, तो आदि रस के स्रोत भी श्रीमती राधारानी है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें बताई गई। और जैसे अंतिम श्लोक, इसी श्लोक के अंत में बताया गया, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। तो परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मैं ध्यान लगाता हूं, परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाता हूं जो श्रीमती राधा रानी की सेवा में लगे हुए। सो दैट्स अ मेडिटेशन। तो इस तरह से महाभाव स्वरूपनी श्रीमती राधा ठाकुरानी, और क्या बता रहे आगे, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। तो गोविंद नंदिनी
यानी कि गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली श्रीमती राधारानी, गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करने वाले, गोविंद सर्वस्व, गोविंद के लिए जो सर्वस्व है, राधाकांत शिरोमणि। राधाकांत शिरोमणि मतलब ज्वेल ऑफ ऑल द कंसोर्ट्स, वैकुंठ की अनंत कोटि लक्ष्मियां हैं, द्वारका की पटरानियां हैं, उस सबकी स्रोत कौन है? श्रीमती राधारानी है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वकांता सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सम्मोहिनी पर। बृहद गौतमीय तंत्र क्या बताया गया है? श्रीमती राधारानी बेसिकली भगवान श्री कृष्ण की अपनी ही अंतरंगा शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। सी इज द सेंट्रल फिगर ऑफ ऑल द गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून, राइट? तो जितनी भी लक्ष्मियां, वैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की पटरानियां, उसकी स्रोत कौन है? श्रीमती राधारानी है। और सर्व आकर्षक है, यहां तक कि भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करती है। तो अंतरंगा शक्ति, स्वरूपनी, लादनी शक्ति श्रीमती राधारानी है। तो इस तरह से यहां पर ही बताया गया है। और इसके अतिरिक्त देखिए, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा फिलोसफिकली डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन मैं देना चाहता हूं इसी के बारे में कि राधारानी का महाभाव कैसा है। ये महाभाव केवल श्रीमती राधारानी में पाया जाता है, हालांकि हमारे कंसेप्शन से परे है, हमारे विचारधारा से परे है, क्योंकि हम तो अपने ही अनर्थों से भी जूझ रहे हैं। उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश बड़ा मुश्किल है, मिथ्या अहंकार का जो उसकी जो परत है वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ी है, ठीक है, एकदम से उसको पार करना बड़ा कठिन कार्य है। राधारानी की कृपा होगी तो संभव होगा। और तो इसलिए भक्ति की सीढ़ी का शुभारंभ कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसाम सुन्नु में। और जितने प्रेम के स्तर बताए हैं श्री रूप गोस्वामी ने, किसी भी वैष्णव संप्रदाय में इस प्रकार की व्याख्या नहीं हुई। जो व्याख्या प्रेम की व्याख्या श्री रूप गोस्वामी ने किया है, महाप्रभु ने जो शिक्षा दी रूप गोस्वामी को, उस प्रकार की व्याख्या किसी भी संप्रदाय में किसी भी आचार्य के द्वारा नहीं हुई, अलग अलग कारणों की वजह से, समय परिस्थिति और काल के अनुसार। लेकिन महाप्रभु आए थे पीएससी स्टडी करने के लिए, पीएससी वर्क करने के लिए, थीसिस। वो चाहते थे कि उनके जो अनुयायी हैं, गोस्वामी हैं, छठ गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, वो सब थीसिस वर्क करें पीएससी लेवल, डॉक्टरेट स्टडी। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो डॉक्टरेट लेवल पे जो है शिक्षा दी रूप गोस्वामी को। और उसमें क्या बताया? आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्या तथो निष्ठा रुचिस तथा अथा आसक्ति ततो भावा तथा प्रेमाबुदिंचति साधकानाम अयम प्रेमनः प्रादुर्भावेत भवेत क्रमः। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का ये सबसे पहले स्तर बताया है, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है। तो श्रद्धा से हमारी भक्ति का शुभारंभ होता है। और माया सबसे ज्यादा आक्रमण करती है श्रद्धा पे। आपके पूरे आध्यात्मिक जीवन में शुरू से लेकर अंत तक अगर आक्रमण होगा माया का, तो केवल श्रद्धा के ऊपर ही होगा। क्योंकि श्रद्धा अगर टूट गई तो भक्ति छिन गई आपके हाथ से, सिंपल है। तो पूरा प्रोसेस हमारा जो है, ये भक्ति का प्रोसेस है, वो श्रद्धा को बढ़ाने का है। इसलिए देखिए, रूप गोस्वामी ने जो शुरू में कैटेगरी की है भक्ति रसाम सुंदु में, भक्तों का जो वर्गीकरण किया है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उसमें भी श्रद्धा की ही बात की है। कि प्रारंभिक श्रद्धा मतलब गुरु साधु और शास्त्र में प्रारंभिक श्रद्धा यानी कि कोमल श्रद्धा है, मध्यम अधिकारी का मतलब मध्यम श्रद्धा है, और उत्तम अधिकारी मतलब उत्तम श्रद्धा है। तो श्रद्धा की शुरुआत होती है, उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए, श्रद्धा को मेंटेन करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए क्या बता रहे हैं? साधु संग की आवश्यकता है, गुरु कृपा की आवश्यकता है। तो एक बहुत ही मजबूत मतलब दायरे में हमें रहना पड़ेगा, स्ट्रांग फेंसिंग की आवश्यकता है, जिसमें हम अपने अनर्थों को जूझते हुए अपनी भक्ति को बनाए रखें। अन्यथा बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत मुश्किल का मतलब कठिन बात है, क्योंकि हमारी वासनाएं, हमारे संस्कार इतने जो है गहरे हैं, उसको काटना बड़ा मुश्किल है। जब तक आप कोई प्रबल भक्ति ना करो, शरणागत होकर बड़ी गंभीरता से भक्ति ना कर लो, तो यहां पर यही बताया गया है। तो क्या बता रहे हैं? इसलिए रूप गोस्वामी देखिए, लेकिन हम लोग फिर क्यों पढ़ रहे हैं सब, जब हम उस स्तर पर ही नहीं है? क्योंकि अज्ञानता से ज्ञान अच्छा है। हम यहां पर गुह्यतम लीलाओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहां केवल सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। देयर नो लीला, देयर नो निकुंज लीला, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फिलॉसफी। तो जब गोल क्लियर होगा तो उस गोल की तरफ बढ़ेंगे आप। उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए साधन भजन आपका कितना मजबूत होना चाहिए, वो भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है चैतन्य शिक्षामृत में, भजन रहस्य में, भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, एक जो अनर्थ है उसका नाम है साधन साध्य भ्रम। इसका मतलब क्या है? साधन भजन के बारे में भ्रम और साध्य के बारे में भ्रम,
साध्य का पता है तो साधन का पता नहीं है, साधन का पता है तो साध्य का पता नहीं है, दोनों ही गड़बड़ है। और जिसको साधन का पता है और साध्य का भी पता है वो चलता रहता आगे। तो यहां पर इसलिए भक्ति की जो सीढ़ियां बताई गई है उसको अच्छे से समझ ले, कम से कम सुन ले, सुनने में कोई समस्या नहीं है। प्रेम वृद्धि क्रम नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव मां भाव होए, कविराज गोस्वामी महाप्रभु बता रहे रूप गोस्वामी को। ये महाप्रभु ने प्रयाग में रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी उसमें बताया कि प्रेम की आंखें किस तरह पे है। प्रेम की वृद्धि होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। प्रेम स्नेह क्या बता रहे हैं, प्रेम वृद्धि क्रम नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होए। तो प्रेम से आगे की सीढ़ी स्नेह मान प्रणय और इस तरह से राग अनुराग भाव महाभाव अलग अलग सीढ़ियां आगे बढ़ रही है। प्रेम से आगे के स्तर भी बता दिए, प्रेम के आगे के स्तर भी बता दिए। जैसे दास रस में प्रेम की वृद्धि कहां तक होती है, मान तक होती है ना, प्रेम स्नेह मान। और इस तरह से आगे अगर आप देखें वात्सल्य सखे रस में राग अनुराग तक होता है, और महाभाव जो है केवल माधुरी रस में प्रेम की वृद्धि महाभाव तक होती है। तो इस प्रकार यहां पर वर्णन किया। फिर आगे बता रहे हैं रूप गोस्वामी, अभी समाप्त नहीं हुआ, उसके आगे भी है, इसके आगे की सीढ़ियां भी बता दी रूप गोस्वामी ने, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को। रूढ़ आधिरूढ़ भाव केवल माधुरी महिषा गणेर रूढ़ आधिरूढ़ गोपिका निकड़े, मतलब क्या है इसका मतलब, इसका मतलब दो प्रकार के महाभाव है, महाभाव के दो डिविजन है, एक है रूढ़ महाभाव और आधिरूढ़ महाभाव। रूढ़ महाभाव थोड़ा बहुत पाया जाता है द्वारका की महिषियों में, लेकिन आधिरूढ़ महाभाव जो है ब्रज की केवल ब्रज की गोपियों में पाया जाता है, द्वारका की महिषियों में आधिरूढ़ महाभाव है नहीं। यानी कि इंग्लिश में प्रभुपाद ने जहां तक संभव हुआ प्रभुपाद ने अनुवाद किया है। वास्तव में अंग्रेजी भाषा जो है बहुत सीमित है, अंग्रेजी भाषा की अपनी बहुत सीमा है और कई शब्दों का अनुवाद बहुत कठिन है उसको करना, फिर भी प्रभुपाद ने लगभग कर दिया। इसलिए प्रभुपाद रूढ़ महाभाव को कह रहे हैं एडवांस्ड और आधिरूढ़ महाभाव को कह रहे हैं हाईली एडवांस्ड। रूढ़ एडवांस्ड एक्सेसी एंड आधिरूढ़ महाभाव को कह रहे हैं हाईली एडवांस्ड एक्सेसी। जैसे रस को प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है मेलो, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये वास्तव में इसका असली ट्रांसलेशन नहीं है, वो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए अनुवाद मेलो किया क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने भी रस को इस तरह से अनुवाद किया मेलो करके, इसलिए मैं कर रहा हूं, अन्यथा रस में ही रस है, जो रस शब्द है उसमें रस है भरा हुआ है, मेलो में कोई रस नहीं है, वो मेलो ही है बस, देयर नो रस इन दैट। तो रस शब्द में रस है, तो महाभाव में महाभाव है, एक्सटेसी में तो ऐसी तैसी भी हो जाती है, एक्सटेसी शब्द ऐसे ही है बस, ऐसी तैसी हो जाती है। तो महाभाव मतलब महाभाव है नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई बंगाली जानता हो तो उसको बहुत अच्छा से रिलेश करेगा। प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है, आई डोंट नो हाउ फार इट विल बी सक्सेसफुल इन इंग्लिश लैंग्वेज बट इफ समबडी कैन नो बंगाली ही कैन रिलिश चैतन्य चरितामृत। रसगुल्ला और रसोगुल्ला कहने में बड़ा अंतर है, और रसोगुल्ला बोलते तो ऐसा ही लगता है कि वास्तव में रसगुल्ला खा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर शब्दों का उपयोग किया गया है, महाभाव केवल माधुरी महिषा गणेर रूढ़ आधिरूढ़ गोपिका निकरे, तो गोपियों का गोपिकाएं जो हैं उनमें यह महाभाव पाया जाता है, यानी कि आधिरूढ़ महाभाव पाया जाता है। तो महाभाव के तीन डिविजन्स बताए गए, थ्री डिविजन्स। अभी कहां से शुरू किया था हमने, श्रद्धा से शुरू किया था, अब कहां पहुंचे हैं, महाभाव तक पहुंचे। महाभाव में आधिरूढ़ महाभाव किसके पास है, ब्रज की गोपियां। और विशेष रूप से देखिए द्वारका में महिषियों के पास भी जो रूढ़ महाभाव है और रुक्मिणी जी और सत्यभामा में विशेष रूप से पाया जाता है, वो भी पूरी तरह से नहीं है, स्लाइट। और यहां पर मोहन मादन और मोदन, तीन प्रकार के मोदन मोहन और मादन। तो जो मोहन महाभाव है बेसिकली इट इज अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन, राधा और कृष्ण के बीच में जो विरह का होता है, सेपरेशन फील करते हैं एक दूसरे से, उसको कहते हैं मोहन महाभाव। उसमें जो राधाणी मोहन महाभाव प्रकट करती हैं, दिव्य उन्माद उद्घूर्ण राधाणी का भ्रमर गीत में हम देखते हैं इस प्रकार से एक्सटेसी महाभाव। और ये थोड़ा बहुत पाया जाता है चंद्रावली में, ये भी पूरी तरह से नहीं पाया जाता है चंद्रावली में, विपक्ष सखी है चंद्रावली, स्वपक्ष गोपियां अलग है, विपक्ष गोपियां अलग है। तो विपक्ष गोपी जो है विपक्ष कैटेगरी में आती है चंद्रावली, और उनमें जो बेसिकली ये जो मोहन महाभाव है, आदिरूढ़ महाभाव का जो डिवीजन है उसमें जो मोहन महाभाव है वो बहुत स्लाइट है, उसमें स्लाइटली प्रेजेंट है। और हाईएस्ट डेवलपमेंट जो है मोहन महाभाव का वो किसमें पाया जाता है, केवल श्रीमती राधारानी में पाया जाता है।
हाईएस्ट, उससे अधिक सेपरेशन विरह का भाव कोई और नहीं प्रकट कर सकता पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आध्यात्मिक जगत में। ये तो गोपियों की बात की जा रही है, और जो रस में स्थित जो भक्त हैं, सखा हैं, जो वात्सल्य रस में हैं, उनके पास तो है ही नहीं, उनके पास तो है ही नहीं। केवल इसमें अब यहां पर भी देखिए मोहन महाभाव जो हाईएस्ट फीलिंग ऑफ सेपरेशन, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया घोर लीला में क्या सेपरेशन एग्जिबिट किया महाप्रभु ने, तो वो केवल महाप्रभु में दिखता है या राधारानी में दिखता है, क्योंकि दोनों वही हैं। तो इस तरह से तो एंड और थोड़ा बहुत ये मोहन महाभाव टू सम एक्सटेंड कह सकते हैं ललिता जी और विशाखा जी में भी पाया जाता है फीलिंग ऑफ सेपरेशन मोहन महाभाव। लेकिन माधनाख्य महाभाव जो है टॉप मोस्ट महाभाव, वो तो चंद्रावली में भी नहीं पाया जाता है, ललिता जी में भी नहीं पाया जाता है, विशाखा सखी में भी पाया जाता है। फिर तो बाकी गोपियों को छोड़ो आप, ललिता विशाखा जी सबसे नजदीक है, उनमें भी नहीं पाया जाता है। तो ये जो मादन महाभाव है ये केवल श्रीमती राधारानी में पाया जाता है, ओनली एंड ओनली एंड ओनली केवल श्रीमती राधारानी में ये मादन महाभाव आ जाए। मादन महाभाव है क्या? मादन महाभाव का मतलब यह है कि राधारानी कृष्ण के प्रेजेंस में बैठी हुई है, राधारानी बहुत नजदीक बैठी हुई है, बहुत नजदीक है श्री कृष्ण की, लेकिन राधारानी को उस एक्सटेसी में क्या क्या सोचती है, अरे कहां चले गए कृष्ण, पता नहीं कब आएंगे, एक तरह का पागलपन है, हायर डिग्री ऑफ मैडनेस, दिव्य उन्माद, ट्रांसेंडेंटल मैडनेस। कृष्ण पास बैठे बोल रहे कृष्ण कहां चले गए, कब वो वापस आएंगे। और ये लीला कहां पे हुई थी, एक तरह की लीला यहां पे प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर में मादन महाभाव जैसे प्रकट किया उन्होंने, वो बताते हैं ब्रज की अंतिम लीला, इसके बाद ही कृष्ण मथुरा चले गए। तो प्रेम सरोवर में यही हुआ कि राधारानी बहुत नजदीक बैठी हुई है, कृष्ण के गोद में ही बैठी हुई है, और वहां एक भंवरा मंडरा रहा है राधारानी के चेहरे के ऊपर, ये सोचते हुए कि बहुत सुंदर कमल का फूल है, बहुत रस से भरा हुआ है, थोड़ा रस यहां से ले लूं मैं, और मधुमंगल ने देखा, मधुमंगल लेके छड़ी लेके भागे और भागे भागे चले गए, दूर भगा दिया भंवरे को। मधुमंगल आकर कहते हैं राधारानी से, बोलते हैं मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया। मधुसूदन मतलब भंवरे का एक और नाम मधुसूदन भी है, और मधुसूदन किसको कहते हैं, मधु नाम के राक्षस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण भी मधुसूदन है, तो मधुसूदन को मैंने दूर भगा दिया। राधारानी एकदम से एक्सटेसी में आकर रोने लग गए, एकदम से आंसू बहने लगे उनकी आंखों से, तड़ाधड़ तेज धारा बहने लगी, ऐसा लग रहा था कि बस वर्षा होने लगी उनकी उनके नेत्रों से। और ये देखकर भगवान कृष्ण की आंखों से भी आंसू आने लगे, और राधारानी यही कह रही है वहां पर, ये मुझे बताया जा रहा है कि कहां चले गए कृष्ण, कहां चले गए मधुसूदन, मधुसूदन आप कहां चले गए। तो कृष्ण यही सोचा कि मेरे नजदीक रहकर तो और समस्या है, ये तो और विरह महसूस कर रही है, इससे अच्छा कि मैं दूर रहूं, दूर रहूंगा तो मुझे अपने नजदीक पाएंगी। इसलिए राधारानी तमाल वृक्ष से आलिंगन करती है, कभी श्याम वर्ण मेघ की तरफ भागती है कृष्ण सोचकर, या यमुना जी में ही कृष्ण का दर्शन कर लेती है, यमुना जी की कांति को, यमुना जी के वर्ण को देखकर, श्याम वर्ण को देखकर उनको कृष्ण का दर्शन होता है। ऐसे ही ऐसे में मन ही मन वो संतुष्ट होती है, उन्हें कहा कि पास में रहकर तो और व्यथा हो रही है, इससे अच्छा होगा कि मैं दूर प्रवास, आई शुड गो फार 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 अवे फ्रॉम ब्रज, फार फार अवे मतलब बहुत दूर नहीं मथुरा। तो इस तरह से उनके जाने का एक कारण बन गया। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मादन महाभाव, और उनके दोनों के प्रेमाश्रुओं से सरोवर बन गया, उसी को प्रेम सरोवर कहते हैं, आप समझ रहे बात, प्रेम सरोवर। तो यही है राधारानी का महाभाव, एक्सटेसी, नहीं जान पाते हैं भगवान कृष्ण, बहुत मुश्किल है। राधा या प्रणय महिमा किदृशो वान्य साध्यो ये नाधभूत मधुरिमा किदृशो वा मदीहा सौख्यम छास मद अनुभवतः किदृशम वेति लोभा। तो ये लोभ उत्पन्न हुआ भगवान कृष्ण में, ये लोभ उत्पन्न हुआ राधारानी के इस मादन महाभाव को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, चाहते हैं उस महाभाव का आस्वादन करना चाहते थे भगवान कृष्ण। तद्भावाड़िया समझनी शची गर्भ सिंधु हरिंदु, यानी कि इस तरह से फिर भगवान कृष्ण राधारानी के महाभाव का आश्रय लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट। तो इसलिए महाप्रभु का भी अगर गुणगान करते हैं गौर पूर्णिमा के दिन तो उसमें राधारानी आ ही जाती हैं। तो महाप्रभु के आने का एक उद्देश्य यह भी था टू एस्टैब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ श्रीमती राधारानी, राधारानी की प्रेम की महिमा को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे, पूरे सृष्टि में फैलाना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु का, यह भी आने का कारण है टू स्प्रेड हर ग्लोरीज। तो इस तरह से तो हाँ तो हम ये बता रहे थे, तो इस तरह से राधारानी का ये महाभाव
तो राधारानी को सेपरेशन फील होता है। 16,000 जो 8 पटरानियां हैं द्वारका में, वो ब्रज की 16,800 गोपियां, 16,108 गोपियां तो हैं। रूप गोस्वामी ललित माधव में वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज की गोपियां ही द्वारका की पटरानियां बनी हैं, इसलिए द्वारका में रहते हुए ब्रज का स्मरण होता है कृष्ण को। रुक्मिणी के साथ एक शैया में लेटे हैं तो मुख से उनके राधारानी का नाम ही निकलता रहता है। और तो कैसे कैसे थोड़ा बहुत दो चार गोपियों का बताएंगे किस तरह से द्वारका की पटरानियां बनी। ललित माधव में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि एक समय राधारानी को बड़ा विरह हो रहा था कृष्ण से, क्योंकि मथुरा चलेगा, गुरु जी लेके चले गए उनको, और यमुना जी की तरफ जब गई यमुना जी में स्नान करने के लिए अपनी सखियों के साथ, विशाखा अन्य सखियों के साथ, राधारानी ने जब यमुना जी का दर्शन किया, यमुना जी को देखते ही क्या हुआ, उनको अपने श्याम सुंदर का दर्शन हुआ, और श्याम सुंदर का दर्शन करते ही राधारानी यमुना जी में कूद पड़ी। कूद पड़ी तो बस विशाखा जी रोने लग गए, अरे क्या हुआ, ये तो यमुना जी में चली गई। अब विशाखा जी कौन है? विशाखा जी ही वास्तव में वो यमुना जी की ही लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म विशाखा जी की, यमुना जी सॉरी यमुना जी कौन है, विशाखा की सखी की ही लिक्विड फॉर्म है। तो विशाखा जी भी कूद गई, तो विशाखा जी डूबेगी नहीं, तो वो राधारानी की तलाश करने लगी। लेकिन उस समय क्या हुआ, फिर यहां पर राजा शत्रुजीत प्रार्थना कर रहे हैं सूर्यदेव से, उनको संतान की इच्छा है, एक पुत्री की इच्छा है, तो सूर्यदेव उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो सूर्यदेव ने क्या किया, राधारानी को उठा लिया, यमुना जी सूर्य की पुत्री भी तो है ना, तो फिर यमुना जी में से राधारानी को उठा के अपने सूर्य लोक में ले गए। और राधा सूर्यदेव तो राधारानी के उपासक है, और वहां जब पहुंचे तो राधारानी, लेकिन वहां पर भी राधारानी को जो है संतुष्टि नहीं मिली, खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें कहा देखो यहाँ साक्षात आपको सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं, आप क्यों दुखी होते हैं श्रीमती राधे माते, आप क्यों दुखी होते हैं, आपको देखिए यहाँ पर सूर्य नारायण कितने सुंदर लग रहे हैं, सूर्य नारायण के आपको दर्शन हो रहे हैं, सूर्यदेव सूर्य नारायण की आराधना करते हैं सूर्य लोक में। उन्होंने कहा सूर्य नारायण अच्छे तो हैं लेकिन कृष्ण जैसे सुंदर नहीं है। और तो इसी तरह से फिर क्योंकि राधा शत्रु जी ने प्रार्थना की थी तो राधारानी का विस्तार हुआ और द्वारका में सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई, ऐसा रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। और उसके बाद एक और घटना है जहां पर ललिता जी वियोग में आ गई, फिर जब राधारानी चली गई और विशाखा जी को पता चला वो भी यमुना जी में कूद गई है, तो ललिता जी भी चले गए गिरिराज जी के ऊपर चढ़ गई, गिरिराज जी के ऊपर छलांग मार दी उन्होंने, और छलांग जब मारा उन्होंने तो उस समय जो है फिर नीचे जामवान वहां से गुजर के जा रहे थे, क्योंकि जामवान कई बार गिरिराज जी के पास भी रहते थे, विंध्या पर्वत में भी जाते थे, कई जगह जाते थे, तो जामवान वहां से गुजर रहे थे, तो जामवान के देखा कि ललिता जी ऊपर से डाइव कर रही है, छलांग मार रही है, गिरिराज जी उस समय बहुत ऊंचे थे, तो वो देखो ऊपर से कोई आ रहा है, उन्होंने पकड़ लिया, ललिता जी को अपने हाथ में उठा लिया और अपने ले गए गुफा में ले गए, और गुफा में वहाँ ले गए। और उन्हीं का बाद में फिर कई वर्षों के बाद भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ था जामवान के साथ 28 दिनों का, तो वही ललिता जी जो है उन्होंने विस्तार किया अपना जामवती के रूप में, तो इस तरह से वो द्वारका गई। तो एक एक सखियों का वर्णन है इस प्रकार से कि एक एक सखी कैसे ब्रज से द्वारका ट्रांसफर हुई है। और इसी तरह से राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी जी चंद्रावली के विस्तार है, उसके लिए तो फिर आपको थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा भगवान राधारानी के आविर्भाव के बारे में। तो विंध्या पर्वत की बड़ी इच्छा हुई थी, विंध्या पर्वत को हिमालय से बड़ा द्वेष था क्योंकि हिमालय की पुत्री कौन थी, पार्वती थी, उनका विवाह महादेव से हुआ था, द्वेष के कारण उन्होंने सोचा कि मेरी भी एक बेटी होनी चाहिए ऐसे जिसका पति जो है महादेव को भी परास्त कर ले युद्ध में, ठीक है। तो विंध्या पर्वत जो है फिर तपस्या कर लेंगे, घोर तपस्या में लग गए, घोर तपस्या जब की तो उन्होंने फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा जी ने बोला क्या बात बताइए, क्या वरदान चाहिए आपको? उन्हें कहा कि मैं ऐसी बेटी चाहता हूं जिसका पति जो है महादेव को भी युद्ध में परास्त कर दे, महादेव को युद्ध में परास्त कर देगा तो राजेंद्र बन जाएगा, पूरे सृष्टि का सम्राट बन जाएगा, ठीक है तथास्तु, ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं। लेकिन बाद में सोचा अरे ये क्या किया मैंने, महादेव को कौन परास्त कर सकता है, अब कहां से ढूंढूं मैं, कौन सी बेटी आएगी इसके लिए जिसका पति जो है महादेव को युद्ध में परास्त करेगा, कौन है वो, पूरे सृष्टि में कोई नहीं है जो महादेव को परास्त कर सके, एक ही व्यक्ति परास्त कर सकते हैं और वो कौन है, भगवान कृष्ण है। वो अगर आएंगे जब लीला करने वाले आने वाले समय में द्वापर युग में उनकी लीला होने वाली है बहुत जल्दी, तो वो कुछ हो सकता है। तो लेकिन उनकी अर्धांगिनी नित्य उनकी अर्धांगिनी कौन है, श्रीमती राधारानी है, तो उनको बेटी के रूप में जन्म लेना पड़ेगा विंध्या पर्वत के यहाँ।
और ये कैसे संभव है, क्योंकि राधा रानी तो कीर्तिदा की पुत्री है, वो तो उनकी इटरनल मदर है, तो यहां कैसे जन्म हो जाएगा विंध्या पर्वत के बेटी के रूप में, विंध्या के बेटी के रूप में कैसे जन्म होगा। तो ब्रह्मा जी फिर कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा यार मैंने क्या वरदान दे दिया, गड़बड़ हो गया तो अब। तो ब्रह्मा जी ने फिर जो है तपस्या कर दी शुरू राधाणी की प्रसन्नता के लिए, राधाणी को प्रसन्न कर दिया, राधाणी दर्शन दिया, बोलिए बताइए ब्रह्मदेव क्या वरदान चाहिए आपको, आपने हमें याद किया। उनके ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, राधाणी का आप चिंता क्यों करते हैं, हम व्यवस्था करेंगे, चिंता ना करो आप। बस उसके बाद उसी समय वहां पे क्या हुआ, चंद्रभानु और की पुत्री चंद्रावली और विश्वभानु की पुत्री राधाणी, इनका दोनों का प्राकट्य हो चुका था, वहां पर प्राकट्य होने वाला था, हुआ नहीं था। अब इनको योग माया के द्वारा स्थानांतरित कर दिया, जैसे बलराम जी स्थानांतरित हुए थे उसी तरह से क्या ट्रांसफर कर दिया उस गर्भ से इस गर्भ में, विंध्या पर्वत की पत्नी के गर्भ में चंद्रावली और राधाणी ट्रांसफर हो गई। अब जन्म हो गया दो कन्याओं का, राधाणी भी आ गई और चंद्रावली भी आ गई, दोनों साथ में आ गई वहां। अब फिर उसके बाद यज्ञ वगैरह किया गया, यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ जब चल रहा था तो उसी समय कंस ने भेजा था, क्योंकि कंस ने देखा था भैया ये तो आकाशवाणी हो गई है, आठवीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तो फिर अब ब्रज में भेजना पड़ेगा, जितने भी पुत्र हैं बच्चे हुए हैं सबको मार डालो और जितनी भी कन्याएं हैं उन सब का अपहरण कर लो, बच्चियों का अपहरण कर लो और बच्चे जो हैं उनको मार डालो, ये बच्चों से ज्यादा डर था। तो फिर इस तरह से पूतना घूम रही थी खिचड़ी आकाश में, खिचड़ी खाते हुए वो तो पूतना घूम रही थी, और विंध्या पर्वत के पास जब पहुंची तो वहां पर यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ चल रहे बच्चे को बिठाया हुआ है वहां पर क्रेडल में, और उठा लिया बच्चों को, दोनों को बच्चों को उठाकर आकाश में उड़ने लगी। विंध्या को बड़ा गुस्सा आया, ये कौन है ये राक्षसी। ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किया तो वो पूतना एकदम कमजोर हो गई, उसकी ताकत कम हो गई, और उसके वो जो बच्चे हैं यहाँ से छूटने लगे, और जब छूटने लगे तो फिर क्या हुआ, ब्रज में आके वापस गिर गए, और पूर्णमासी लेकर आ गई उन बच्चों को वापस किसके पास, कीर्तिदा के पास। ऐसा रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ललित माधव, तो वापस आ गई कीर्तिदा के पास। तो इस तरह से जो है बता रहे हैं कि और भी जो है कन्याएं वापस आई थी, और भी जो सखियां हैं जैसे कि श्यामा है, शैव्या है, और जो सखियां हैं और भी सखियां सब वापस आ गई इस तरह से। तो इस तरह से वर्णन मिलता है। तो अब अच्छा, अब क्या हुआ था, राधारानी देखिए चंद्रावली और राधारानी दोनों को उठा के ले जा रही थी पूतना, लेकिन चंद्रावली ब्रज में नहीं गिरी थी उस समय, चंद्रावली तो गिरी थी वैदर्भ में जहां पे महाराज भीष्मक थे, तो महाराज भीष्मक गए थे नदी में स्नान करने के लिए, वहां पर चंद्रावली मिली हूं पूतना के हाथ से गिर गई थी वहां पर, राधारानी ब्रज में आगे गिरी थी। तो चंद्रावली जो है उनके पास रही लगभग 5 वर्ष, वही चंद्रावली का विस्तार हो गया रुक्मिणी जी के रूप में, और उसके बाद जामवान घूमते घूमते वहां पहुंचे थे, तो जामवान उनको वापस लिया है, चंद्रावली को वापस लिया है, और चंद्रावली का विस्तार रुक्मिणी जी जो है वहां रहे। तो इस तरह से चंद्रावली रुक्मिणी जी बनी, ललिता जी बनी जामवती बनी, राधाणी सत्यभामा बनी, इस तरह से 16108 गोपियां 16000 द्वारका की महिषियां बनी। तो इस तरह से वर्णन आता है ललित माधव में, अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं हैं राधाणी के आविर्भाव के बारे में। तो हम तो इसलिए बता रहे थे कि किस तरह से विस्तार करती हैं राधाणी, विस्तार करती हैं ब्रज की सारी गोपियां, विस्तार करती हैं द्वारका की महिषियों के रूप में। देखिए जितने भी नित्य सिद्ध परिकर हैं वो अपना विस्तार करते जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के बगैर रह नहीं सकते, तो भगवान जहां जहां अपना विस्तार करेंगे वहां नित्य परिकर अपना विस्तार करना शुरू कर देंगे उसी समय। तो जो ब्रज के जितने नित्य परिकर हैं, जब वैकुंठ, जब द्वारका में जाना होगा, द्वारका में जो एग्जिस्टेंस है, द्वारका में ब्रज के जितने परिकर हैं उन सब का विस्तार हुआ हुआ है नित्य सिद्ध परिकर का, द्वारका के जो वासी हैं। और फिर अयोध्या की बात आती है तो अयोध्या में फिर और विस्तार करते हैं। तो जो ब्रज में है वो द्वारका में ही पहुंच जाते हैं अपना विस्तार करके, और द्वारका से फिर अयोध्या भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से विस्तार चलता रहता है भगवान का और के नित्य परिकरों का। सो दैट्स अ पॉइंट। बहुत सारी बातें हैं, समय इतना है नहीं हमारे पास, तो यही कह के विराम देंगे। हरे कृष्ण।